कैंसर बेहद ही गंभीर बीमारी है। कैंसर से पीड़ित लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उससे भी ज्यादा परेशानी तब होती है जब कैंसर का इलाज किया जाता है। बता दें कि कैंसर के इलाज के दौरान सारी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि इस दौरान रेडिएशन थेरेपी होती है, तो रेडिएशन से हार्ट डिजीज का खतरा काफी बढ़ जाता है। ऐसे में दिल का खतरा होना और भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में कैंसर के साथ साथ दिल की बीमारियों का होना जान के लिए खतरा पैदा कर सकता है। ऐसे में ये रिपोर्ट कैंसर मरीजों को जरूर देखनी चाहिए। साथियों, रेडिएशन हार्ट डिजीज एक गंभीर समस्या है जो अक्सर उन लोगों में देखा गया है जिन मरीजों का कैंसर का इलाज चलता है। रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल कैंसर के इलाज के दौरान किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी के दौरान कैंसर के सेल्स नष्ट होने लगते हैं, लेकिन इस थेरेपी का असर ऐसा होता है कि टिश्यू और अंगों के आसपास के सेल्स नष्ट होने लगते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि रेडिएशन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। कैंसर के इलाज के दौरान मरीजों को जो रेडिएशन दी जाती है वो काफी ज्यादा मात्रा में दी जाती है, जिसका असर उनके दिल पर काफी ज्यादा पड़ता है। अक्सर छाती के कैंसर के मामलों में ट्यूमर के आसपास कैंसर के इलाज के दौरान दिल की बीमारी का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो मरीज रेडिएशन थेरेपी लेते हैं उनमें कई सारी बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। लंबे ड्यूरेशन और रेडिएशन के कारण दिल के टिश्यू को काफी ज्यादा नुकसान होता है। ऐसे में दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ना जायज है, और दिल की बीमारी जान का खतरा है। रेडिएशन थेरेपी कई तरह के होते हैं जिसके कारण दिल के टिश्यू को काफी ज्यादा नुकसान होता है। रेडिएशन हार्ट डिजीज के कारण दिल की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे सीने में दर्द, सांस लेने में कठिनाई, दिल की धड़कन का तेज होना, पैरों में सूजन और दर्द की शिकायत हो सकती है। साथियों, ऐसा कई बार देखा गया है कि कैंसर के इलाज के दौरान रेगुलर दिल से जुड़ी बीमारी और हाई बीपी का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में कैंसर थेरेपी के दौरान डॉक्टर से रेडिएशन हार्ट डिजीज का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि कैंसर के इलाज के दौरान आखिर क्यों हार्ट का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में आपको अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करना होगा। दरअसल कैंसर की वजह भी हमारा खान पान और लाइफस्टाइल ही है। ऐसे में सावधान रहें, सतर्क रहें और खुद को घातक बीमारियों से बचा कर रखें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।